में मॉड्यूल कहते हैं। ध्यान रहे कि डी क्या हो, किस में होना चाहिए, एम एम में ही होना चाहिए, तो मॉड्यूल कहलाता है। फॉर द मेटिंग एयर के लिए m1 = m2 होगा। देखिए क्या था यहाँ पे d1/t ही था, तो एक्चुअली मॉड्यूल की बात कर रहा है, d/t ही तो मॉड्यूल होता है। तो भाई दो मेटिंग एयर दिख ही रहे, दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे बराबर दिखाया भी है कि दो मेटिंग एयर के लिए बराबर होना चाहिए। इसके अलावा 5 में हम लोग चलते हैं बैकलेस। बैकलेस क्या होता है, टूथ स्पेस माइनस टू थिकनेस को अगर हम माइनस करें तो टू थिकनेस ऑफ मेटिंग एयर, तो वो उसका जो बीच का डिस्टेंस आता है उसको बैकलेस कहते हैं। तो ये क्यों दिया जाता है, तो वो अवॉइड द जैमिंग ऑफ टीथ ड्यू टू द एक्सटर्नल एक्सपेंशन। एक्सटर्नल एक्सपेंशन सॉरी थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, जो गर्म होगा चलेगा तो उसमें से जो एक्सपेंशन होगा, गर्मी जो पैदा होगा उसके कारण एक्सपेंशन होगा, तो उसको उसके कारण जैमिंग ना हो जाए, तो टीथ फंस ना जाए, इसलिए तो कुछ हम स्पेस दे के रखते हैं, तो उसको बैकलेस कहते हैं। टूथ स्पेस के अलावा हम लोग कुछ और दे रखते हैं, तो टूथ थिकनेस और मेटिंग एयर टूथ स्पेस हमने जितना दे रखा और टूथ थिकनेस जितना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग स्पेस दे रखा, तो उसका बैकलेस कहलाता है। प्रेशर एंगल मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, प्रेशर एंगल के बारे में मैं फाई के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। प्रेशर एंगल 20 डिग्री से 25 डिग्री तक हम रखते हैं, एंगल ये डिफिनेशन दे रखा है। लेसन में हम लॉ ऑफ गियरिंग्स देखेंगे। मैं हूँ अमरिंदन कुमार, और वैसे तो ये लॉ ऑफ गियरिंग का कोई क्वेश्चंस आने वाला नहीं है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पर फिर भी हम लोग इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। लॉ ऑफ गियरिंग से बस इसका रिजल्ट ही आने वाला है, बस इसका डेरिवेशन वगैरह लॉ ऑफ गियरिंग्स कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो सब चीज़ें आपको नहीं आने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट या यूजीसी में, पर फिर भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है। और चूँकि ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी नाम ही सुनकर लॉ ऑफ गियरिंग गियरिंग पढ़ रहे हैं, तो भाई लॉ ऑफ गियरिंग तो पता होना चाहिए कहाँ से क्या है, फीलिंग हमारा जनरेट हो और हमारी समझ आगे के क्वेश्चन से बढ़े, इसलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको डेरिवेशन को देखते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग देखेंगे क्या है ये फ़ोटो को समझें, कैसा फ़ोटो आपके बुक में बना रहता है। तो देखिए मैंने 2 गियर लगाया है, अब गियर ऐसा क्यों, हमारी मर्जी, हम जैसे मन रहा है वैसा लें। तो देखिए एक का वेलोसिटी तो भाई ओमेगा 1 है, एक दूसरे का ओमेगा 2 देखिए रखा है। उसके बाद मैंने कॉमन टेंजेंट लिया है, कॉमन टेंजेंट का मतलब नाम ही है कॉमन टेंजेंट, दोनों पर टेंजेंट है, देखने में चाहे जैसा भी लगे वो कॉमन टेंजेंट मैंने कह दिया, तो मान लो वो कॉमन टेंजेंट है। और देखिए ये है कॉमन लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का नाम आपने पहले भी सुना होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे बस एक लाइन हम लोगों ने बना दिया है, लाइन ऑफ एक्शन समझ में आ जाएगा क्या है यहाँ पे, तो हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्शन बना दिया। यहाँ पे देखिए Q1 और O2 जो है फिक्स पॉइंट है, गियर का यहाँ पे पिन कर दिया गया है, गियर को इसी में अटैच है, यहीं पे एक्सेस है, इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है ये, तो ये एक Q पॉइंट वही था कॉन्टैक्ट पॉइंट जो हम लोगों ने पहले देखा था पिछले लेसन में। तो ये हमारा इतने सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए क्या वेलोसिटी, और ये 1 है, तो इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसका टेंजेंशियल एक वेलोसिटी होगा, ये वाली वेलोसिटी जिससे हम लोगों ने कहा ओमेगा 1 कहाँ गया नीचे, जिससे हम लोग कहा V1 कॉन्टैक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगा इस गियर के कारण, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हम लोगों ने ले लिया V1 जो कि इसके बराबर होगा ओमेगा R के बराबर। ओमेगा कितना है, यहाँ पे ओमेगा है ओमेगा 1 और R है O1Q, ये लेंथ इसका R है, तो इसके कारण इसका वेलोसिटी के कारण क्या आएगा ये। इसी प्रकार सेम इस गियर में ओमेगा इसका कितना है ओमेगा 2 और इसका लेंथ क्या है O2Q, तो ये हो गया इस दोनों का वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो हो गया, मैंने एंगल भी लिया है दोनों का, ये लाइन ऑफ एक्शन जो लाइन हम लोगों ने लिया था उससे हम लोगों ने दोनों का एंगल ले लिया, इसका कह दिया अल्फा एंगल और इसका कह दिया बीटा एंगल। जो 2 वाला था उसका बीटा एंगल, जो A वाला था उस 1 वाला था जिसको हम लोगों ने कह दिया क्या अल्फा एंगल पे था। अब देखिए मैंने क्या लिखा कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, तो भाई प्रॉपर कॉन्टैक्ट बना रहे इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन, भाई लाइन ऑफ एक्शन क्या इसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स वो लग रहा है अगर वो सेपरेट हो गया तो क्या वो गियर रहेगा। भाई इस डायरेक्शन को हम लोगों ने एक लाइन बनाया जिसको कह दिया कि भाई लाइन ऑफ एक्शन है, इसी एक्शन में इसी डायरेक्शन में फोर्स लगता रहेगा, जो भी कॉन्टैक्ट मान एक नच रहा है दूसरा को नचा रहा है तो फोर्स हर वक्त लगाता रहेगा तभी तो नाचेगा वो, तो ऐसा तभी हो जाएगा प्रॉपर कांटेक्ट हर वक्त मेंटेन रहे। और ऐसा कब होगा जब लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है लाइन ऑफ एक्शन उस डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो ये दोनों वेलोसिटी है इसका कंपोनेंट सेम रहे तभी तो वेलोसिटी में कांटेक्ट में रहा भाई। कोई भी पॉइंट कांटेक्ट में है यानी कि उसका जो भाई कहीं से वेलोसिटी निकालो फिक्स वेलोसिटी आएगा भाई। एक पॉइंट भाई आसपास तो दो पॉइंट है दोनों का अलग अलग वेलोसिटी आएगा, दोनों एक दूसरे पे कांटेक्ट में कहाँ रहेगा, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। तो ऐसा रहा तो हम लोगों ने क्योंकि क्या करना है दोनों का वेलोसिटी निकालना है क्या लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन में और दोनों को इक्वल करना है। तो हम लोगों ने निकालना शुरू किया तो v1 इतना था और v1 का हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्शन में कंपोनेंट लिया तो भाई अल्फा एंगल है तो v1 cos अल्फा होगा और ये v2 है तो v2 cos बीटा होगा और हम लोगों ने दोनों को बराबर कर दिया, सिंपल बराबर कर दिया। अब v1 का वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया, v1 का वैल्यू क्या है, v1 ये है, v1 का वैल्यू हम लोगों का ये है, ये उठाकर हम लोगों ने डाला यहाँ पे और इसी प्रकार से v2 का भी वैल्यू हम लोगों ने उठाकर इस साइड हम लोगों ने डाल दिया है। अब cos अल्फा और cos बीटा का वैल्यू निकालना है तो cos अल्फा का हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू निकाला है। हम लोगों ने देखा है अल्फा ये है तो ये भी एंगल अल्फा होगा और बीटा अगर ये है तो ये भी एंगल बीटा होगा। अब कैसे होगा ये आप ज्योमेट्री से खुद समझो। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, एक को दिखा देता हूँ, बाकी आपको ज्योमेट्री तो पढ़ाने के लिए बैठा नहीं है। तो ये देखिए अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल किसके बीच का है जो इसके बाद टेंजेंशियल वेलोसिटी था, इसका ये वाला वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ही होता है तभी ओमेगा आर लिखते हो आप। तो ये एंगल 90 डिग्री आपको दिख ही रहा है और इसके कॉमन जो है लाइन ऑफ एक्शन है उससे आपने अल्फा एंगल ले रखा है। तो बाकी जो एंगल बच गया ये एंगल वो कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 डिग्री बने एक परपेंडिकुलर लिया O1 से M पर परपेंडिकुलर मैंने डाला है। इसी प्रकार से यहाँ से O2 से N पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला जो N पे जो है जिस पॉइंट पे उसको N कह दिया तो यहाँ से भी आया। तो हम लोग जैसे ही हमारा ये अल्फा है अगर मैंने अल्फा एंगल ले रखा है टोटल तो 90 डिग्री है तो ये बाकी जो एंगल बच गया कितना होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये 90 डिग्री मैंने ले रखा है तो बाकी कितना एंगल बचेगा अल्फा। सेम इस तरफ आपका होगा उस तरफ उतना करने की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में भी रट के जाओ इधर अल्फा होगा ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, ऐसे ही मार दो क्या निकालते रहे, जरूरी थोड़ा ना कि समझ में आए। ऐसे लिखेंगे एग्जाम में भी, सेमेस्टर एग्जाम में भी ऐसे लिख देंगे। तो ये देखिए नहीं अगर समझना तो समझो, ज्योमेट्री आपको आता ही होगा, तो थोड़ी जोड़ जोटाव करते रहेंगे। तो हमने अल्फा लिखा तो अल्फा कैसे निकला कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा अल्फा एंगल ही है हमारा तो इस एंगल से हम लोगों ने कॉस अल्फा लिखा। कॉस अल्फा के बराबर क्या होगा ये वाला लेंथ बाई इसका ये लेंथ तो O1 m बाई क्या होगा O1 Q तो वही लिखा O1 m बाई O1 Q। सेम यहाँ पे कॉस बीटा निकालना है तो कॉस बीटा हमारे पास बीटा क्या है ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा ट्रायंगल में जाओ और लिखो क्या हमारा लिखना है कॉस बीटा लिखना है तो ये लेंथ बाई ये लेंथ तो O1 n O1 कहाँ गया O1 n सॉरी O2 n बाई O2 Q O2 Q ये वाला है। ये लेंथ हम लोगों ने लिखा, मेहनत किया बहुत सारा और देखा कि ये कट गया, ये काट दिया हम लोगों ने और आया ओमेगा वन आया और ओमेगा वन ओमेगा टू के हम लोगों ने एक साथ ले आया। या ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कुछ प्रूफ करना है तो उसको प्रूफ करने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा हम लोगों को, इसमें कुछ नहीं सोचना कि ऐसा करके कुछ रिजल्ट आया उसको हम लोग फोकस करेंगे, रिजल्ट ही हमारे काम का है बाकी डेरिवेशन कोई काम का नहीं। तो ऐसा कुछ रिजल्ट आया हमारे पास, ये टर्म से बचा था उसको हम लोगों ने ऐसा लाया। अब हम लोगों को एक और चीज़ देखना है, दो ट्राइंगल्स पकड़ने हैं O1 PM जो ये छोटा सा ट्रायंगल है और एक बड़ा सा ट्रायंगल है ये वाला। और सर एग्जाम में सब कैसे याद रहेगा कि बस ये ग्राफ बना दोगे अपने आप सबको समझ में आने लगेगा। बस तुमको इसकी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर करना है, दोनों को वेलोसिटी को इक्वल करना है, वेलोसिटी को जैसे इक्वल किया उस डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में वैसे अपने आप निकल के ये आ जाएगा, ये निकल के आएगा आपको। बस अगला स्टेप बस ये याद रखना है कि ट्रायंगल आपको कौन सा सिमिलर करना है तो सिमिलर ट्रायंगल पी पॉइंट के बारे में हम लोगों को काम करना है। पी पॉइंट ही हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यही पे हम लोगों को फोकस करना है। तो इसी पे हम लोग लेके हम लोग क्या करेंगे दो ट्रायंगल हम लोगों का यही से पॉइंट तो खुद से लिया है तो इसी दो ट्रायंगल में हम लोग देखो मैंने ट्रायंगल को नीचे भी दिखाया है O1 है M है और P जो है यहाँ पे P है N है जो N है और ये O2 है जो O2 है। तो ये पॉइंट है जो सिमिलर ट्रायंगल है, दिख ही रहा है कि तीनों एंगल भाई बराबर है, दो एंगल बराबर होगा तीसरा तो खुद ब खुद बराबर होगा ही होगा। तो देखिए ये तो उसने इतना तो ऊपर से लाया मैंने और इसी को टर्म में लिखना शुरू किया जो सिमिलर ट्रायंगल से O2 है ना O2 कहाँ पे है O2n यहाँ पे O2n बाई O1n जो ये वाला है, तो O2 जो है O2n ये है, O1m ये है, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, बाकी के रेशियो बराबर होगा O2p, O2 कहाँ है, O2p बाई O1p, इस वाला ये इसके और ये इसके Pn बाई Pm, ये हम लोगों ने बराबर किया। अब हम लोगों को पता है भाई इफ दिस टू वर्ड इज आर गियर, अगर गियर होगा तो हम लोगों ने पहले ही देख रखा, पिछले ही लेसन्स में देखा कि भाई क्या होना चाहिए, ओमेगा वन बाई, सबसे फर्स्ट लेसन में शायद देखा था हम लोगों ने कि ओमेगा वन बाई ओमेगा टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये कांस्टेंट के करने का मतलब ये सारा कांस्टेंट, ये सारा कांस्टेंट का मतलब ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसको हम लोगों ने कहा कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि O1 P बाई PO2 ये जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, इस इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये उसमें भी हम लोगों को पता है कि O1 और O2 तो भाई फिक्स पॉइंट है, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा ही, वो तो फिक्स पॉइंट है, तो ये रेशियो फिक्स रहने के लिए ये निश्चित रूप से P पॉइंट को भी फिक्स रहना पड़ेगा, जहाँ है वहीं पर आना पड़ेगा, जबकि हमने इसको मूवेबल माना था, लाइन ऑफ एक्शन तो अपने मन से इमेजिन किया हुआ है, लाइन ऑफ एक्शन ऐसे मान लोगे तो भाई तो P पॉइंट अलग हो जाएगा ना, तो ये रिजल्ट ला के दिया कि भाई P पॉइंट फिक्स होना चाहिए, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन आपने जो माना है वहीं पे फिक्स रहेगा, वो डोलता हिलता डोलता नहीं रहेगा। तो ये एक रिजल्ट हमारा निकल के आया कि P एक फिक्स लाइन हो, एक फिक्स पॉइंट होगा। अब ये P पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ गियरिंग क्या है, इसको स्टेटमेंट के रूप में हम लोग समझ लेते हैं ताकि लिखने के काम आ जाए एग्जाम में। लाइन ऑफ एक्शन मस्ट ऑलवेज पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, तो सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन आप कहीं नहीं मान सकते, तो एक फिक्स्ड पॉइंट से निकलेगा, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्या, पिच पॉइंट। पिच पॉइंट आया था पहले भी, तो उसी को मैंने कहा था कि आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो इसी को कहेंगे हम लोग क्या, पिच पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट P निकल के आया है उसी को हम लोग कहते हैं क्या कि वो फिक्स पॉइंट है, वो पिच पॉइंट उसी को कहते हैं। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ गियर, और ये पॉइंट होता कहाँ पे, सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ गियर, देखिए सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ गियर ये दोनों था, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन इसी लाइन पे तो है ही है, तो इन दोनों का एक तरह से कटिंग पॉइंट हो गया एक लाइन ऑफ एक्शन का, और दोनों सेंटर को मिलाने वाला पॉइंट वो रहेगा और वही फिक्स पॉइंट रहेगा। तो आपको एक बहुत ही अच्छा काम मिल गया कि पॉइंट आपको फिक्स पॉइंट मिल गया है कि भाई वो तो पॉइंट वहीं पर रहेगा और लाइन ऑफ एक्शन उसी से पास करेगा। चलिए देखिए आगे भी क्या है, फॉर बॉडी टू बी गियर, अगर बॉडी को किसी बॉडी को गियर बनना है तो लाइन ऑफ एक्शन मस्ट ऑलवेज पास थ्रू पिच पॉइंट, तो वो पिच पॉइंट से वो लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन को एक और नाम है कॉमन नॉर्मल एट क्यू, क्यू पे कॉमन नॉर्मल, जो दोनों पे नॉर्मल रहे वही है लाइन ऑफ एक्शन, तो वो रहे मस्ट ऑलवेज पासिस थ्रू पिच पॉइंट, तो वो पिच पॉइंट से सदैव पास करेगी। अब इससे एक और चीज़ समझ में आया कि मेटिंग प्रोफाइल मस्ट बी डिजाइन इन सच अ वे सच दैट ऑलवेज लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई, यानी कि अब आपको गियर जो भी दो मीटिंग गियर है, दो गियर मीट कर रहा है, तो वो गियर का हम लोग ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा ताकि क्या होगा भाई लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वेलोसिटी एक बार नहीं रहेगा, वो एक दूसरे को छोड़ देगा। देखो आप लोग गियर बनाने की घर पे कोशिश करते हो, उसको नचाते हो, देखते होगे कि भाई वो मतलब वो उस तरह से वर्क नहीं कर पा रहा है जैसे कि आपका जो रियल में गियर जो होता है वो वर्क करता है, कि आप उसके प्रोफाइल को उस तरह मेंटेन नहीं कर पाए हो क्योंकि वो लॉ ऑफ गियरिंग ऑलवेज सेटिस्फाई कर पाए, इसलिए आपका गियर वर्क नहीं कर रहा होता है। गियर की तरफ क्या आप स्ट्रक्चर बना के देखे होगे, अगर बचपन में खेलते होगे तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई वहाँ पर लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, उसके लिए बहुत लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। गियर काफ़ी महंगे बिकते हैं क्योंकि उसका प्रोफाइल इस तरह मेंटेन किया रहता है ताकि ऑलवेज वो जो मोशन कर रहा हो तब लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई हो रहा हो। ऐसा देखिए लिखा भी है यहाँ पे, ऐसा कब होगा लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, कंजुगेट प्रोफाइल्स यूज करना होगा, टू गियर का प्रोफाइल इस तरह हो ताकि वो कंजुगेट प्रोफाइल हो, एक दूसरा एक जो हो दूसरे का कंजुगेट हो। और ऐसा क्या हो, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो होते हैं, वह इन्वोल्यूट प्रोफाइल है और एक जो साइक्लोइडल प्रोफाइल है, ये दो प्रोफाइल ऐसे हैं जिसमें हम बनाए तो नेचुरल कंजुगेट होते हैं, एक बन जाए दोनों को, अगर हम दोनों गियर को अगर हम इन्वोल्यूट बना देंगे तो आपस में वो अगर मीट करेंगे तो वो लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई करेगा। वो देखेंगे हम आप लोग आगे, इस दोनों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, पर उससे पहले समय हमारे पास कम बचा है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग भाई इतना सारा मेहनत किया गया है पर रिजल्ट यही आएगा, इसी को याद रखना है कि ब्रिज टिप्स राइडिंग क्या ओमेगा प्लस ओमेगा टू ओमेगा वन जान दीजिए कि दोनों अलग अलग गियरों का ओमेगा है, तो उसका समीकरण टू क्यूपी। क्यूपी क्या है? क्यूपी कॉन्टैक्ट पॉइंट है क्यू, और कॉन्टैक्ट पॉइंट पी है, और क्यू है और पी है क्या पिच पॉइंट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्यूपी है। इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो अगर ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू को मिला कर जोड़ के, तो स्लाइडिंग वेलोसिटी आ जाता है। अब कैसे आता है वो देखो, समय है तो जब तक रहता है जब तक देख लेते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई कॉस का कंपोनेंट तो उसका जो कॉमन जो लाफ्ट एक्शन के डायरेक्शन में तो इक्वल रहना चाहिए, पर बाकी जो कंपोनेंट बच गया वो तो उसको स्लाइड करा देगा ना, ये तो फोर्स लगाने वाला है। इसके डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट रहेगा वो फोर्स लगाएगा, पर इस डायरेक्शन में जो भी रहेगा उसको स्लाइड करा देगा। और स्लाइड कराने वाला वेलोसिटी में हम लोग माइनस कर लेंगे भाई कि एक जो वेलोसिटी से मोशन कर रहा है दूसरा है, तो मुझे जो डिफरेंस रहेगा उसी कारण तो स्लाइडिंग हो रहा होगा। तो v1 को भी हम लोगों ने लिख लिया, v2 को भी लिख लिया, और जैसे हम लोगों ने कॉस को लिखा था उसी प्रकार से साइन को लिखेंगे। साइन को लिख के क्या करेंगे, ओमेगा वन है हमारा, और देखिए ये दोनों कट जाएगा। क्यूपी को हम लोग ऐसे लिख देंगे qm को, qm कहाँ पे हमारा था देखिए, qm हमारे पास कहाँ पर, qm इतना बड़ा था, इसको हम लोगों ने दो के टर्म में लिख लिया। अब समझ सकते हैं समय नहीं बचाया और इसको किया भी नहीं जाएगा आगे, लेसन बनाया भी नहीं जाएगा इसका, आप इसको समझ सकते हैं, जरूरत भी नहीं है इसलिए बनाने का कोई मतलब नहीं। किसको समीकरण के टर्म में मैंने लिख दिया, यहाँ से भी लिख दिया। अब ये दोनों इक्वल है, ये मैं बता देता हूँ कहाँ से इक्वल हो है, कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो